नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। उत्तर प्रदेश बिजनौर के थाना मंडावली में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अविनाश सिंह एडीजी बरेली जोन तथा पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी, एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र, सीओ प्रवीर कुमार व पुलिस मित्र क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। एडीजी ने बताया कि पुलिस क्षेत्रवासियों से अपने व्यवहार सही रखे तथा पुलिस मित्रों और क्षेत्रवासियों का सहयोग मिल सके और पैदल फ्लैग मार्च भी किया। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। मंडावली थाना क्षेत्र में बरेली जनपद से आए हुए हमारे बरेली जोन के परम श्रद्धेय एडीजी सर आज यहाँ आप सभी लोगों के बीच में आए हुए हैं। सर ने पूरे जनपद का भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। आज थाना मंडावली में भी सर ने अभी बैठक करी है पुलिस मित्रों की, और सर चाहते हैं कि हम क्षेत्र के अंदर जाके जन सामान्य से भी संवाद स्थापित किया जाए। अब मैं सर को अपने थाना मंडावली क्षेत्र की जो स्थिति है उसके बारे में अवगत करा चुका हूँ। सर को पता है कि ये हमारा जो थाना है बिल्कुल हरिद्वार के बॉर्डर पे है, काफ़ी शांतिप्रिय थाना क्षेत्र है और यहाँ मोटा महादेव मंदिर भी है। रावण के त्यौहार में यहाँ बहुत भीड़ रहती है और जन सहयोग से ही उसको शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे संपन्न करवाया जाता है। यहाँ के लोगों का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला, इसी वजह से अयोध्या के जजमेंट में भी हमारा सर शांतिपूर्ण तरीके से पूरा सब निकल गया है। सर अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपने आशीर्वचन से सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जय हिंद सर। हाँ साथियों, चार पांच बातें मैं आपको बताऊंगा, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। पहला संदेश यह है, आप और हम एक हैं, यानी आप आम नागरिक और पुलिस एक है। आप सादे वस्त्रों में पुलिस हैं, पुलिस के लोग खाकी वर्दी में आम नागरिक हैं। हमारा आपका उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? कि समाज में अपराध घटित ना हो, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है जो यदि अपराध घटित हो जाए उसका तत्काल अनावरण हो, माल बरामद हो, मुलजिम पकड़े जाए और जिसका सामान्य न्यायालय के आदेश से वापस कर दिया जाए। तीसरा उद्देश्य है कि आपके थाना क्षेत्र में, गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है। और चौथा उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का गुणवत्तापरक पारदर्शी तरीके से त्वरित निस्तारण हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब हमारा आपका उद्देश्य एक है तो आप क्या मदद कर सकते हैं? तो आप जो भी अपना काम पहले अपना परिचय देंगे सर। मैं अविनाश चंद, एडिशनल डीजी बरेली जोन, यहाँ पे मंडावली थाने में आया हुआ हूँ। और यहाँ पे जो पुलिस मित्र बना रखा है एसपी साहब ने, हर थाने में 100 पुलिस मित्र, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जितने हमारे 30 त्यौहार थे होली से लेकर के दिवाली तक, सारा में अपना योगदान किया। सावन के महीने में कांवड़ का जो यहाँ पे यात्रा चलती है, लाखों श्रद्धालु यहाँ से पास होते हैं, उनकी व्यवस्था बनाने में अपना योगदान किया। और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया था उसके बाद समाज में आपसी सौहार्द बना रहे उसमें अपना योगदान किया। तो एक धन्यवाद ज्ञापन सम्मेलन हम लोगों ने किया, जिसमें 150-200 हमारे क्षेत्रवासी आए थे और उनको बहुत सारे टिप्स मैंने दिए किस तरह से पुलिस का सहयोग कर सकते हैं अपराध नियंत्रण में, अपराध निवारण में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में और जनता की शिकायतों के निस्तारण में। ट्रैफिक के नियमों के पालन करने के बारे में मैंने उन्हें बताया, सोशल साइबर क्राइम से कैसे बचा सकता है उसके बारे में बताया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें, पराली ना जलाएं इसके बारे में लोगों को एजुकेट करें और बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका फास्ट न्यूज़ इंडिया। पुलिस और पब्लिक, यानी आप और हम एक हैं। आप सादे वस्त्रों में पुलिस हैं और हम पुलिस के लोग खाकी वर्दी में आम नागरिक हैं। आप ही के बीच से हम लोग आते हैं। हमारा आपका उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है कि समाज में आपराधिक घटनाएं घटित ना हो, यानी अपराध नियंत्रित रहे, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि अगर अपराध घटित हो जाए, चोरी लूट डकैती हो जाए, हत्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए तो उसका शीघ्र अनावरण हो, माल बरामद हो, मुलजिम पकड़े जाए,
तीसरा उद्देश्य है कि शहर में तरण हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब हमारा आपका उद्देश्य एक है, इसकी पूर्ति के लिए आम नागरिक वो पुलिस की मदद कैसे कर सकती है? तो आपको उस वक्त आप आए भी थे मोटे महादेव पर, मंडावली थाना क्षेत्र जो है हरिद्वार से जो कांवड़िए चलते हैं उनसे सबसे पहला पड़ाव जो है मोटा महादेव मंदिर पड़ता है, इसलिए मंडावली पर ज़्यादा भार रहता है उस समय, और सावन का टाइम है तो बरसात है, और जो मोटा महादेव भागवाला बाईपास मार्ग है उस पर दो रफ्ते भी है, जानकारी है आपको, और बरसात में जब रफ्तों पर सर पानी आया उस समय जो है रात में पानी आया, मंडावली थाना अध्यक्ष संदीप त्यागी जी हैं, उनको सूचना मिली, वो तुरंत जो है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पुलिस की टीम पहले से मौजूद थी जिनकी ड्यूटी वहाँ पर रफ्ते पर लगाई गई थी। इसके अलावा जो है नजीबाबाद सीओ थे उस समय महेश कुमार जी, वो भी तुरंत आ गए, और पानी इतना था सर वहाँ पर कि कोई अगर वाहन भी उसमें घुस जाए तो वो बह जाता, लेकिन जो कांवड़िए थे वो उसी रास्ते से जाने की जिद करने लगे, कहे कि हम पीछे मंजर सिंह नतीजगढ़ थाने की पुलिस, और प्यारे भाइयों बहुत बहुत अच्छा आयोजन है, हमारे साहब यहाँ आए हुए हैं। पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा अपने पुलिस मित्रों की जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नहीं होने दिए कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होने। मान्यवर अभी एक एक्ट लागू हुआ है परिवहन विभाग वाला, मेरा भी उसमें परसों चालान हुआ है, हेल्प कर रहे अपने एडीजी और अपने थाना अध्यक्ष संदीप जी, एसपी अपने संजीव जी और सभी क्षेत्र के थाने के जो हैं पुलिस में। एक मैं दुष्यंत त्यागी जी की कविता से इस बात को आगे बढ़ाऊंगा अपनी, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस मित्र कार्य कर रहे हैं और पुलिस की एक चैन बन करके इसको क्या ऐसा हो सकता है, तो ये सब कुछ अपने जिले की पुलिस का सहयोग रहा। पुलिस बराबर मीटिंग हर जब कोई त्यौहार होता है उस पर मीटिंग करती है, सब लोगों को बुलाती है, एक भाईचारा। एक आदमी ने एक ऐसा महसूस किया कि पुलिस वाकई हमारी कानून की जो सेवक है, हम लोगों की सुरक्षा करती है, वाकई पुलिस इस बीच में सच्ची है क्या पुलिस मित्र। लेकिन पहले लोगों के अंदर जो भी अपने अभिषेक भाई कह रहे थे पुलिस से बहुत डर लगता था, लोगों को थाने में जाते हुए भी लोग महसूस करते थे कहीं पकड़ कर ना बैठा लें, जेल केस था नजीबाबाद का, अपने सीओ साहब आ गए थे यहाँ कि जो खुल भी नहीं पा रहा था, और वो केस यहाँ एकदम खुला और जॉनी कांड वाला था, वो सारे केस खुले, तो उसके लिए सभी लोग अपने जिले के भी और अपने थाने के भी सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और हम सब लोग पुलिस गण आप सभी का सादर नमस्कार, आमंत्रण और आभार। पुलिस ने पुलिस मित्र बनाकर एक बहुत ही सजग, सहज और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे पब्लिक के और पुलिस के बीच एक सामंजस्य। मिर्जापुर ट्रैफिक सिपाही मंगल सिंह के ऊपर ट्रक ड्राइवर ने लगाया आरोप, गाड़ी का पेपर पूरा सही होने पर अवैध वसूली करते हैं। और रियाज कुरैसी मानव अधिकार मंडल उपाध्यक्ष ने बताया कि मंगल सिंह जो कि ट्रैफिक में सिपाही के पद पर तैनात हैं, वह पथरिया मिर्जापुर में कल शाम 6 बजे दो गाड़ी रोककर, जो मेहर से चुनार सीमेंट फैक्ट्री आ रही थी जिसमें सीमेंट लगा था, उसे रोककर गाड़ी का पेपर लाइसेंस ड्राइवरों से छीन लिया, 2000 रुपए की डिमांड की, पैसा न देने पर उनका जबरदस्ती चालान भी कर दिया, और बताते हैं कि पैसा वसूल के मिर्जापुर कप्तान साहब को देना पड़ता है। यातायात महीना चल रहा है जिसमें अधिकारी को पैसा वसूल कर देना पड़ता है। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद सद्दाफ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। क्या समस्या है बताइए? सर हमें रात को टीआई वालों ने रोका था कल शाम को। जी तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सर पंजाब के रहने वाले। हाँ, क्या रोका था? सर हमें बोल रहे थे कि चालान करना है, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं और लाइसेंस भी है ओरिजिनल। अच्छा, और उसके बाद में भी सर हमारे से 2000 रुपया मांगा गया था। अच्छा, उसके बाद में 2000 रुपया मांगने के बाद हमने एक हमारे कॉन्टैक्ट से यहाँ उनको फ़ोन किया, उनके आने के बाद में इन्होंने हमारा 5000 का चालान कर दिया सर ज़बरदस्ती। अच्छा, पहले दो हज़ार रुपये मांगे, उसके बाद 5000 का आपका चालान कर दिए। क्या क्या मांगा आपसे? अभी बोल रहे हैं सर 5000 का चालान किया। अच्छा, क्या क्या लिए हैं आपका वो? सर ड्राइविंग लाइसेंस और कागज लेके। आप बताइए।
जी, क्या समस्या है, क्यों रुके हो यहाँ? समस्या सर यही है, गाड़ी लेके आ रहे थे यहाँ से, गाड़ी को रुकवाए, हम बोले सर क्या दिक्कत है, बोलते गाड़ी की फाइल दो, हम बोले सर अंडरलोड गाड़ी है हमारी, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलते चलान होएगा, किस चीज का चलान होएगा, बोलते डबल ड्राइवर नहीं है, जूता नहीं है, वर्दी नहीं है, कागज अगर पूरे कम्प्लीट है आप लोगों के पास? कागज पूरे कम्प्लीट है, गाड़ी अंडरलोड है, और सर रोड पे इतनी गाड़ी चल रही है, बताओ किसके पास वर्दी है, किसके पास जूता है, किसके पास डबल ड्राइवर है, और ये ऐसा बोल रहे हैं। कौन कौन ऐसा रोका, क्या नाम था जो रोके उनका? मंगल सिंह। क्या बोलते हैं सर? वो यही बोल रहे हैं, बोलते हैं कि पहले बोल रहे थे 2000 रुपया दो और गाड़ी ले जाओ। तो मंगल सिंह क्या है? हाँ जी, मंगल सिंह क्या है सर? TI बता रहे थे अभी, पता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर बता रहे थे। हाँ जी, TI ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं सर, हमारे को तो बोल रहे थे TI साहब है। हो गया, हो गया। आप बताइए सर जी। हेलो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज नाम है हमारा जी। क्या समस्या है? ये मंगल सिंह जो मंगल सिंह ट्रैफिक इंस्पेक्टर बता रहे हैं, ये खुलेआम हुंडई करते हैं। अच्छा, ट्रक वालों को परेशान करते हैं, आए दिन लूटने काम करते हैं जी। एक नई की 50 कंप्लेन आई हुई है जी, हमें मानव विकास का मंडल अध्यक्ष मिला था जी। किस तरीके से समस्या आती रहती है? ये जो गाड़ी रुकी है जी जे 18A J 7040, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्यों रुकी है ये गाड़ी? रुकी हुई है कि भाई इनका लूटने काम है। हाँ। जो कुछ मिल जाए इनको गाड़ी छोड़ देंगे। हाँ। ये लोग रात से रुके हैं, ड्राइवर गाड़ी अंडर लोड है। हाँ। गाड़ी के पूरा कागज वैध है, उसके बाद ये गुंडे करता है जी। पूरे आम गुंडे करता, मैं ट्रैफिक मिलता हूँ, उसमें देना रहता है। किसको देना रहता है? कप्तान साहब को देना रहता है पैसा वसूल, कप्तान साहब को देना रहता है। बताएं तो, और वो क्या बताते हैं अपने आपको? आप कहते हैं मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ यहाँ का, मिर्जापुर का। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, हाँ। ठीक, धन्यवाद। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आज मालवीय स्टेडियम में समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। 35वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन प्रतियोगिता प्रयागराज में हुई सम्पन्न। महिला वर्ग में श्यामली सिंह निवासी पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में सूबेदार राहुल कुमार पाल निवासी अमेठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेल मंत्री उपेंद्र नाथ तिवारी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया तथा प्रथम पुरस्कार विजेता को 2 लाख रुपए का चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया। मैराथन दौड़ में 4500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सुबह 6 बजे आनंद भवन से हरी झंडी दिखाकर खेल मंत्री ने की थी शुरुआत। सभी विजेता प्रतिभागियों का खेल मंत्री ने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। बदौलत जब हम लोग बलिया में गए तो यही की पहचान थी, जिसके वजह से आज आप सबके बीच में सेवक के रूप में, एक मंत्री के रूप में आज सेवा करने के लिए आज खेल मंत्री के रूप में हम लोग हैं। तो इसके लिए भी मैं प्रयाग के लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए आज खेल के ये बहुत अच्छा लगा कि जब सुबह लगभग 7-8 हजार की संख्या में दर्शक बंधु भी और हमारे धावक बंधु भी वहां पर उपस्थित थे, एक अद्भुत नजारा था। सुबह के 6:30 बजे हरी झंडी दिखानी थी और दिखाई भी गई। आज प्रयागराज में मैराथन प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है, क्या कैसा लगा? सर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आज मैं प्रयागराज इंदिरा मैराथन में मैं प्रथम स्थान आया, और मुझे पिछले कई सालों से मेरा एक प्रयास रहा और मेरा बचपन से भी ये प्रयास रहा कि मैं एक बार इंदिरा मैराथन में फर्स्ट आऊँ, क्योंकि मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान समय में पुणे में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं नायक सूबेदार रैंक पे हूँ और मेरे कोच साहब हैं जो सूबेदार जय भाई साहब हैं और मेरे बचपन के जो है कमलेश कुमार पाल हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो है, मैं बचपन से इस रेस में मैं फर्स्ट आना चाह रहा हूँ और जो मेरा सपना आज पूरा हुआ। मतलब आप कई बार प्रयास करते रहे और आज पहला वो सफलता जो है आपको? मैंने मतलब प्रयास करता था कि इसके लिए तैयारी, अभी सन 2016 से ही मैं फुल मैराथन शुरू किया हूँ और सन 2017 मैंने यहाँ पे कोशिश किया था लेकिन मैं 4th स्थान पे था और उसके पहले मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर करता था, जो एशियन गेम्स जूनियर एशियन चैंपियनशिप में चैंपियन रहा। और मैं अभी 2-3 साल से मैराथन शुरू किया हूँ, फुल मैराथन। यहाँ पर कितनी पुरस्कार राशि आपको मिली है और कैसा, मैं आप क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे? मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के लिए 2 लाख रुपए मिले हुए हैं और एक हमारे खिलाड़ियों के लिए जो है बहुत बड़ा उत्साह करने के लिए प्राइज मनी भी रहता है। तो कोई बहुत सारे खिलाड़ी जो गरीब घर से भी रहते हैं तो उनको क्या है आगे बढ़ने के लिए और जो सपोर्ट है वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल जाता है और मनोबल भी उनका काफ़ी अच्छा जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में लखनऊ इंडियन ऑयल से आए अरुण प्रसाद ने हरी झंडी दिखा। सिविल लाइन क्षेत्र से गैस एजेंसी द्वारा निकाला गया जन जागरूकता अभियान, जिसमें बताया गया कि सिलेंडर में वॉल से लेकर गैस के वजन तक की सारी जानकारी दी जाएगी और ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने सिविल लाइन सुभाष चौराहे से होते हुए
पत्थर गिरजा तक जागरूक अभियान निकाला और लोगों को बताते हुए इस अभियान के बारे में जोड़ने के लिए लोगों को आगे आने को कहा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। एक्चुअली प्री डिलीवरी चेक जो सिलेंडर को डिलीवर करने कस्टमर के घर पर डिलीवर करने से पहले क्या क्या जांच कराकर सिलेंडर को लेना चाहिए उसके अवेयरनेस के लिए, कस्टमर के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चल रहा है हमारा, पूरे देश में चल रहा है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें सारे ग्राहक को जागरूक किया जाएगा कि आप सिलेंडर घर पर लेते समय क्या क्या चेक करवाएँ और क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या बातें हैं वो डिलीवरी मैन के द्वारा बताई जाएगी। ये उसी क्रम में आज इलाहाबाद में ये अवेयरनेस कैंप का निकाला जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे व्हीकल्स आप देखेंगे उनके ऊपर ये अवेयरनेस का पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए हैं, जो ये बताते हैं कि आप सिलेंडर को चेक करने के बाद ही लें, सिलेंडर ऐसे नहीं। एक्चुअली कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये इंडियन ऑयल द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा रहा है। पर्ची दे दीजिए। क्या नाम आपका? नाम मैं अरुण प्रसाद, GMLPG UPSO1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लखनऊ। इंजीनियर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन प्रयागराज में आज और देश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत कार्यालय सहायक संघ के केंद्रित नेतृत्व के निर्देश पर कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई। CPA के 4222 करोड़ रुपए के घोटाले के अभियुक्तों को गिरफ्तारी एवं धनराशि की सुरक्षा गारंटी का नोटिफिकेशन जारी करने हेतु संघर्ष आरम्भ किया गया। आशीष सिंह पूर्वांचल सचिव कॉरपोरेशन प्रबंधन से CPF आज तक की जारी करने की मांग की। ब्रिजेश पांडे ने बताया कि कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई का पैसा सरकार ने असुरक्षित निवेश कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राजीव मिश्रा पूर्वांचल महामंत्री कार्यालय सहायक संघ उत्तर प्रदेश ने बताया कि सरकार CPA धनराशि की सुरक्षा गारंटी ले, जिसका नोटिफिकेशन जारी करे। आज के आंदोलन की अध्यक्षता अजीत पटेल एवं संचालक इंजीनियर गुप्ता ने की। संजय चतुर्वेदी, श्री प्रकाश रघुवंशी इत्यादि लोग लगभग 200 कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। के लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा 4600 करोड़ रुपए का असुरक्षित निवेश कर दिया गया डिजिटल कंपनी में, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी और उसकी कोई रेटिंग नहीं थी। ऐसी प्राइवेट कंपनी में कमीशन खोरी के चक्कर में कर दिया गया, जहां से पैसा है वहां से गमन कर लिया गया, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। उसी पैसे का वापसी के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं किसी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले और अपनी राजाज्ञा जारी करे, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे। और जो घोटालेबाज हैं यहाँ पे, ऊर्जा प्रबंधन थे, आलोक कुमार जी थे, अपर्णा यू मैडम थी, जिनको हटा करके दूसरे जगह चार्ज दे दिया गया। हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि अगर वो घोटालेबाज थे तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार लगातार कह रही है कि या दूसरे सरकार में पहले की सरकारों ने क्या घोटाला किया गया है, जबकि 17 मार्च से 23 मार्च तक ही मात्र वो जो पुराने प्रबंधन को अभी तक जेल में भेज दिया गया है वह 17 मार्च से 23 मार्च तक ही थे, जिस समय लगभग 22 करोड़ रुपये ही गया था, 4200 करोड़ रुपये। उसके बाद लगभग 37 करोड़ से 38 करोड़ रुपए उसके बाद भेजा गया है, 3800 करोड़ रुपए उसके बाद भेजा गया, इस सरकार में भेजा गया है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने से मुकर रही है। हम लोगों की मांग है कि जो CPF का पैसा हम लोगों की कटौती हो रही है वह CPF की अधिकतम स्लिप जारी कराया जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तार किया जाए। परिचय आशीष कुमार सिंह, पूर्वांचल सचिव राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन उत्तर प्रदेश। आज का प्रदर्शन हमारा अपने GPF और EPF पर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया घोटाला के विरुद्ध में है और हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आंदोलित हैं कि हमारी जो धनराशि इन्होंने लूटी है, इन्होंने कहीं पर खर्च किया है या कहीं पर लगाया है, वह हमारे साथी कर्मचारियों के पास के खाते में पुनः डाला जाए और इसके साथ साथ एक श्वेत पत्र जारी करें कि इसके बाद हमारी पूर्व की जो धनराशि है और आगे की जो धनराशि 19 के बाद जमा हो रही है, सन 19 से जो जमा हो रही है, इन्होंने आज इस्लामाबाद बताया 18 में ये घोटाला हुआ है, मैं 19 की भी बात कर रहा हूँ कि 19 का पैसा कहाँ पर है। और हम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, भ्रमित इस बात से हैं कि हमारी धनराशि को कहाँ पर और किस तरीके से लगाया जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम जब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बना तो इन्होंने बताया कि हम
ये जो आपका ट्रस्ट बना रहे हैं और इसमें पैसा जमा होगा, इस ट्रस्ट की का एक पर एकदम ट्रांसपेरेंट जानकारी दी जाएगी जो हम लोगों को किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं दी गई आज तक, और जब मिली तब तक घोटाला लंबा हो चुका था। मैं प्रदेश सरकार के मुखिया से, पावर कॉरपोरेशन के मुखिया यानी ऊर्जा मंत्री से ये मांग करते हैं कि आप लोग होश में आ जाइए। बहुत बिजली विभाग के कर्मचारियों को सताने का प्रयत्न मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा करंट है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें सुलग जाओ। और बिजली विभाग के कर्मचारियों को अगर आपने परेशान किया तो सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। परिचय आपका? राजीव मिश्रा, पूर्वांचल सचिव कार्यालय सहायक संघ। ये था अभी के समाचार, आए कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।